वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ में पिछले एक महीने के अंदर कई जगह तेंदुआ देखा गया है। डीपी नगर, कमला नगर के बाद अब गांधी बाग में भी तेंदुए की दस्तक सुनाई दी है। गांधी बाग के गेट नंबर 3 के पास सोमवार रात 9 बजे तेंदुआ देखने पर लोगों में दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सदर बाजार पुलिस ने रजवन बाजार समेत आसपास के क्षेत्र में अनाउंसमेंट कर दुकानें बंद कराई और लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की। पुलिस ने वन विभाग की टीम के साथ पश्चिम यूपी सब एरिया कैंटीन व आसपास के क्षेत्र में तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है। राहगीर गौरव सिंह ने भी रात 9 बजे गांधी बाग गेट नंबर 3 के पास सड़क पर तेंदुए को चहलकदमी करते देखा। देखिए गांधी बाग पहुंचे तेंदुए की तस्वीरें। वन विभाग के अधिकारी ने इस मामले में यह जानकारी दी। कल रात मेरठ कैंटोनमेंट गांधी बाग एरिया में 7:30 से 8 बजे के आसपास राहगीर द्वारा तेंदुए जैसा वन्य जीव देखा गया, जिस सूचना पर पुलिस विभाग और वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत वहां पर कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एहतियातन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अवगत कराया गया है। किसी भी सुनसान क्षेत्र में अकेले ना जाएं। वन्यजीव अगर दिखाई देता है तो सूचना सबसे पहले वन विभाग की टीम को दें, ताकि इस पर त्वरित एक्शन किया जा सके। इसके अतिरिक्त कल रात के बाद 2 से 3 वीडियोज़ तेंदुए के वायरल किए जा रहे हैं, जिनका संबंध मेरठ से नहीं है। कल भी टीम को पूछताछ में ऐसे कई संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिन्होंने कि वायरल वीडियो बिना जांचे परखे फॉरवर्ड किया है। मैं जनता से अपील करता हूं कि बिना जांचे परखे व्हाट्सएप पे वीडियोस ऐसे शेयर ना करें, जिससे कि दहशत का माहौल होता है या गलत फहमी या रूमर्स को बढ़ावा मिलता है। कृपया वन विभाग और पुलिस विभाग का सहयोग करें, ताकि हम इस एक्शन में सफल हो सकें। धन्यवाद। किसी को कहीं भी तेंदुआ दिखे तो तुरंत क्षेत्रीय वन अधिकारी गौरव कुमार के मोबाइल नंबर 7536058243, वन्य जीव रक्षक कमलेश कुमार के मोबाइल नंबर 9368396336, साथ ही सामाजिक वानिका प्रभाग के नंबर 0121264172 पर फोन करके सूचना दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।